रायगढ़ जिले के खरसिया वन परिक्षेत्र में हाथियों के घुसने से आतंक का माहौल बना हुआ था, जिससे रायगढ़ और खरसिया वन विभाग के अधिकारियों ने खदेड़ कर जंगल की ओर भेज दिया। दरअसल एक शावक, एक हथनी और एक नर हाथी बीते 30 तारीख से खरसिया के बोतलदा क्षेत्र में डेरा जमाए हुआ था, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा भगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाथियों के साथ शावक होने के कारण उसे भगा नहीं पा रहे थे, इसलिए गांव वालों में भय का माहौल बना हुआ था। पूरी घटना को लेकर रायगढ़ DONR खूटे ने बताया कि ग्रामीणों की सहायता और वन कर्मियों की सूझबूझ से हमने हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर भेज दिया है, जहां पर वो सुरक्षित रह पाएंगे। आपको बता दें कि जंगल के अंदर लोगों के आवागमन से जंगली हाथी परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण वो गांव की तरफ आ जाते हैं। 30 तारीख से एक नर, एक मादा और एक शावक हाथी जो है पहाड़ी पे आया हुआ था और वो लगातार नीचे उतरने का प्रयास कर रहे थे। हमारा जो वन विभाग का टीम, पुलिस का टीम, रेवेन्यू के जो टीम है और विशेषकर गांव वालों के लगातार निगरानी उस पर था। और कल ऐसा हुआ कि वो अचानक नीचे उतर आए और नीचे उतर के करीब करीब 7-8 किलोमीटर पहाड़ी से नीचे झाराडीह जो बस्ती है वहां तक पहुंच गए थे। पूरे गांव वालों की मदद से धीरे धीरे उसको वापस उसी जंगल की तरफ धीरे धीरे रात भर प्रयास करके जो हमारा खरसिया का टीम, रायगढ़ का जो टीम है, वो धीरे धीरे उनको अन्य और अधिकारियों की मदद से उनको खदेड़ते धीरे धीरे लेकर आए। और अभी लगभग 11 बजे बोतलदा के पास जो खरसिया और शक्ति के बीच का जो मेन रास्ता है, उस रोड से जंगल की तरफ उसको जो है खदेड़ पाए। For more information, log on to www.clips.in.